Now coming to the last colligative property, that is osmotic pressure. What is osmotic pressure? Osmosis. सबसे पहले तो उसके साथ जो term related है, what is osmosis? सबने सुना होगा अपने क्लास 10th में ऑस्मोसिस क्या चीज़ है. ऑस्मोसिस क्या है? जब एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. हम एक बहुत छोटे से डायग्राम से इसको एक बार एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ सपोज आपके पास सॉल्यूशन है, यू हैव सॉल्यूशन हेयर, और यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है, और यहाँ हमने एक पिस्टन लगाई. अब होगा क्या? एंड दिस इज ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है मूव करने के लिए. नाउ प्रोसेस that is spontaneous, that the solvent molecules, they will move from solvent to solution side. और वो तब तक move करते रहेंगे जब तक उनका concentration equal नहीं हो जाता. Now the thing here is, ये तो process हो गया osmosis का, हम osmotic pressure किसे कह रहे हैं? अब जब solvent molecule यहाँ आएंगे तो कुछ pressure develop होगा, you call that hydrostatic pressure as osmotic pressure. और एक तरीके से हम और define कर सकते हैं कि यहाँ जो हमने piston लगाई है, हम इतना external, जितना external atmospheric pressure हमें apply करना पड़ता है to stop the movement of solvent particles, that pressure is called as osmotic pressure. The pressure externally which should be applied to stop the movement of solvent particles, that is called as osmotic pressure. अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि यहाँ जो हम pressure apply कर रहे हैं वो osmotic pressure से ज़्यादा apply हो जाए, if this external pressure is greater than osmotic pressure, तो क्या होगा? तो होगा क्या, जो solution वाली side solvent molecules हैं वो वापस सॉल्वेंट की तरफ जाना शुरू कर देंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस. उसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ कभी सुना हुआ होगा आपने, आरओ सुनते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के हेल्प से हम वाटर को फिल्टर करते हैं, उसमें से वाटर निकाल देते हैं और सॉल्ट्स पीछे रह जाते हैं. दैट इज़ द बेसिक प्रिंसिपल कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल उसमें से प्योर वाटर उसमें से बाहर आना शुरू हो जाता है. दैट इज द थिंग बेसिकली. नाउ हाउ ऑस्मोटिक प्रेशर इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए. हमारे पास ऑस्मोटिक एक जनरल सी गैस इक्वेशन की हेल्प से हम प्रेशर निकालते थे, सेम ही हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने का तरीका है. पाई हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल एज द टेम्परेचर. तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है उसको हटा के हम वही कांस्टेंट सी आर, आर कांस्टेंट लगा देते हैं, जिसकी वैल्यू आप लगाते हो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है. सी क्या है? सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और सी को आप कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. तो इसको यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आर इनटू टी. Now osmotic pressure is directly dependent upon the number of moles of the solute, hence you call it as a colligative property. और number of moles को हम और elaborate कर दें तो it is equal to WB upon MB given mass upon molecular mass into V into R into T. That will give you the atmospheric, that will give you the value of osmotic pressure. आपसे यहाँ जो भी कहा जाए कैलकुलेट करने को, टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो टेम्परेचर करिए, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो मॉलिक्यूलर मास करिए, प्रेशर कैलकुलेट करने को कहा जाए तो प्रेशर कैलकुलेट करिए.
अब इसके साथ ही हमारे पास एक न्यूमेरिकल है रिलेटेड टू दिस. एक एग्जांपल ले लेते हैं. कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर. आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है किसका? इस सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर. केन शुगर इज व्हाट? C12H22O11 सुक्रोज जिसको कहते हो. कैसा सॉल्यूशन है? 5% बाय वॉल्यूम. 5% बाय वॉल्यूम केन शुगर सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस. 15 डिग्री सेल्सियस पे आपको इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है. सबसे पहले चीज ध्यान तो ये रखनी है कि जो आपके आर के यूनिट्स हैं लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, हमारे पास यहाँ प्रेशर के यूनिट्स वही आएंगे. हमें जो वॉल्यूम है उसके यूनिट भी लीटर्स में ही लगाने हैं. अब 5% बाय वॉल्यूम का मतलब है कि 5 ग्राम ऑफ केन शुगर इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना था पाई वेट ऑफ और मास ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड दैट वाज 5 ग्राम. मॉलिक्यूलर मास केन शुगर का C12H22 342 होता है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 100 ml है हमारे पास, लेकिन हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स में. 100/1000 मतलब 0.1. आर की वैल्यू हम लगाएंगे 0.0821. टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस, तो इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे इट कम्स आउट टू बी 288. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर क्या आ गया हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 5/342. वॉल्यूम आ गया हमारे पास 0.1 लीटर्स. हमने मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट किया है. फिर आगे आपके पास आर की वैल्यू और आपके पास आगे टी की वैल्यू. एंड हियर कम्स आउट टू बी जो भी आपका प्रेशर आएगा दैट वुड बी इन एटमॉस्फेयर्स, क्योंकि आपके पास ये क्या है? लीटर्स एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. सो वी आर कैलकुलेटिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर हियर. नाउ वन मोर थिंग अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर इज दैट कि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से प्रेफर करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. नाउ व्हाई दिस इज सो? आपसे जनरली कई बार क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है दैट विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रेफर्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट और व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रेफर्ड. The property of osmotic pressure is preferred or is considered the best colligative property for calculation of molecular mass of solute. ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज, इसकी calculation हम आसानी से room temperature पे कर सकते हैं, जबकि बाकी properties में कहीं हमें freezing point चाहिए तो कहीं हमें boiling point चाहिए, कहीं हमें उस liquid का vapor pressure measure करना है. दूसरा, एक्यूरेसी इसमें सबसे ज़्यादा आती है क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल रहे हैं, जबकि बाकी सभी प्रॉपर्टीज में हम चेंज निकालते हैं, वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज निकालते हैं. तीसरी चीज़, जो हमारे बायो मॉलिक्यूल्स हैं मींस मैक्रो मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर्स हैं, उस केस में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकालना हमारे लिए आसान है क्योंकि वो एक तो वो डायरेक्ट वैल्यू देता है और इसकी वैल्यू में जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है एक्यूरेसी ज़्यादा आती है. अगर हम उनकी हेल्प से निकालें तो वहाँ पे वैल्यूज नेग्लिजिबल आती हैं, चेंजेस जो हैं एरर्स जो हैं उस केस में ज़्यादा आते हैं. सो इन केस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज प्रेफर्ड ओवर अदर प्रॉपर्टीज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट. इसी के साथ एक चीज़ और कनेक्टेड है, शायद आपने बहुत बार सुना होगा. आइसोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं और हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं. आइसोटॉनिक, हाइपरटॉनिक एंड हाइपोटॉनिक. आइसोटॉनिक सॉल्यूशन मीन्स जिन दो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन एक जैसी हों. अगर कंसंट्रेशन एक जैसी होंगी
प्रोवाइडेड दे आर एट सेम टेम्परेचर तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा. दे आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम दो सॉल्यूशंस को जब कंपेयर कर रहे हैं, एक जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है दूसरे सॉल्यूशन से, दैट वुड बी कॉल्ड एज हाइपरटोनिक. और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से कम है, दैट विल बी कॉल्ड एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. आपको बहुत बार आपने ऑब्जर्व भी किया होगा रेजिन्स, किशमिश जिसको आप कहते हो, अगर पानी में रख दें थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, दे स्वेल अप, फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं. व्हाई दिस इज सो, दिस इज द प्रोसेस कि जो हम अगर हमने उसको पानी में रखा है उसके अंदर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, तो बाहर से जो सॉल्वेंट है वो उसके अंदर मूव करता है एंड दे गेट स्वेल्ड अप. दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस. हम फ्रूट्स रख देते हैं कई बार तो वो श्रिंक कर जाते हैं. फ्रूट्स श्रिंक क्यों कर जाएंगे, क्योंकि उसमें से वाटर इवेपोरेट हो रहा है, वाटर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्स ऑस्मोसिस. ठीक है, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस. सो दैट वॉज अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशंस.